Hey guys, welcome back. मेरा नाम है नासिया और आज इस वीडियो में मैं अगेन वाओ के कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. एक्चुअली मैं कुछ दिनों से वाओ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ. एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे तरीके से वाओ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सूट करते हैं, तो इसलिए मैं कुछ नए नए प्रोडक्ट यूज करती रहती हूँ. तो ऐसे ही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाओ स्किन साइंस का ग्रीन टी फॉर्मिंग फेस वॉश. और जैसे कि आप देख सकते हो ये फॉर्मिंग फेस वॉश है और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप लोगों के साथ मतलब इसके साथ आप लोगों को एक रिफिल पैक मिलेगा और ये 200 ml क्वांटिटी आती है और जो इसमें होती है क्वांटिटी वो आप लोगों को 100 ml मिलेगी. तो आप डेफिनेटली इसको रिफिल कर सकते हो, बार बार आप लोगों को बाय करने की जरूरत नहीं है. फिर यहाँ पे नेक्स्ट है मेरे पास वाओ स्किन साइंस का लेवेंडर एंड रोज स्किन मिस्ट टोनर. और आप लोगों ने पहले भी मेरे और भी वीडियोस में देखा होगा, ये पैकेजिंग इसकी चेंज हो गई है. इसका जो पुराना वाला पैकेजिंग थी उस टोनर को मैं यूज करती हूँ काफी टाइम से. एंड नेक्स्ट है आप मेरे पास वाओ स्किन साइंस का ग्रीन टी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर. ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल नॉन स्टिकी फॉर्मूला के साथ आता है. बिल्कुल भी आपके फेस में लाइक ऑयलीनेस या तो फिर कुछ हैवी मॉइस्चराइजर जैसे अप्लाई करते हैं सब बिल्कुल नहीं लगेगा. काफी लाइट वेट फॉर्मूला के साथ है, ऑल स्किन टाइप को सुटेबल करेगा एंड इसका जो टेक्स्चर है पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. तो चलो आगे देखते हैं कि इन प्रोडक्ट को मैं कैसे यूज करूंगी. कुछ ट्रिक्स भी हैं, डेफिनेटली आप लोगों को मैं शेयर करूंगी. कीप ऑन वॉचिंग गाइज. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाओ स्किन साइंस के कुछ प्रोडक्ट. एंड आप लोगों को पता होगा कि इनमें कोई भी पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट एंड कलर नहीं होते हैं एंड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं और इनके सारे प्रोडक्ट जो हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं. तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो आप लोगों को एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से हम लोगों को एलर्जी हो सकती है. एंड गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे वाओ स्किन साइंस का ग्रीन टी फॉर्मिंग फेस वॉश. एंड सेकेंड प्रोडक्ट है मेरे पास लेवेंडर एंड रोज. एंड थर्ड प्रोडक्ट है मेरे पास यहाँ पे ग्रीन टी का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर. ये तीनों ही प्रोडक्ट बहुत कमाल के हैं क्योंकि इनको काफ़ी लंबे टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ. उसके बाद इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो जैसे ही मैं फेस वॉश यूज़ करने जा रही थी गाइज, तो ये मेरा जो फेस वॉश है ये एम्प्टी हो चुका था जैसे कि आप देख ही सकते हो. उसके बाद यहाँ पे मैंने एक रिफिल पैक लिया हुआ है जो कि 200 ml क्वांटिटी के साथ आता है. एंड ये वाला जो फेस वॉश है ये 100 ml क्वांटिटी की है जो कि ख़त्म हो गया है. तो आप इसको 2 times यूज़ कर सकते हो, आप लोगों को बार बार परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो मैं इसमें रिफिल करूँगी और यू आर गुड टू गो. एंड आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ग्रीन टी होता है आप लोगों की स्किन को काफ़ी अच्छे तरीके से प्यूरीफाई करने में हेल्प करेगा, डलनेस को रिमूव करेगा और आपको काफ़ी अच्छी सी रेडिएंट स्किन देगा. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिलिकॉन ब्रश लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा सा फोम आता है गाइज. बहुत माइल्ड फेस वॉश है, जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है एंड मैच्योर स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये जिन लोगों को एक्ने की या ऑयल, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयली फेस है उनके लिए तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, ज़रूर ट्राई करना चाहिए. पिंपल प्रोन स्किन वाले भी ज़रूर यूज़ करें इसको. एंड आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो थोड़ा सा टाइम दें. अगर आप सोचेंगे कि 3-4 दिन में आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा तो नहीं, किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम हम लोगों को ज़रूर देना चाहिए, तो आप लोगों को एक अच्छा सा अपने फेस पे रिजल्ट देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को वेट कर लिया है, उसके बाद मैं इस ब्रश की ही हेल्प से अपने फेस को क्लीन करती हूँ. ये बहुत अच्छे तरीके से फेस पे जितनी भी डर्ट है, इम्प्योरिटीज़ है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से निकालने में हेल्प करता है. तो अपने पूरे फेस पे मैं इसको सर्कुलर मोशन पे वॉश करूँगी एंड नॉर्मल पानी से धो लूँगी. तो आप इंस्टेंट अपने फेस पे एक क्लियरनेस एंड रेडिएंट ग्लो आप देख सकते हो. एंड हाँ गाइज, इस सारे प्रोडक्ट की जो आप लोगों को परचेस लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा. तो आप देख रहे होंगे मेरा फेस काफ़ी क्लियर लग रहा है. आप लोग भी जब इसको यूज़ करेंगे तो वॉश करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद स्किन काफ़ी क्लियर और ग्लोइंग ग्लोइंग सी लगती है जैसे कि आप देख ही सकते हो. तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का लेवेंडर एंड रोज मिस्ट टोनर. एंड गाइज, इसमें कोई भी अल्कोहल नहीं है एंड मैं आप लोगों को टोटली रिकमेंड करती हूँ ये अल्कोहल फ्री टोनर. और ये बहुत अच्छा है, आप लोग मेरे को पिछले वीडियोज़ में भी देख रहे होंगे, इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई. पहले मैं यही टोनर यूज़ करती थी एंड ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है.
टोनर बेसिकली आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है, मॉइस्चर लेवल को बैलेंस करके रखता है। तो इस तरीके से अपने पूरे फेस पे मैं स्प्रे करूँगी। स्प्रे करने के बाद स्किन काफ़ी रिफ्रेश फील होती है और काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ जाता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। एंड टू टाइम्स मैं हमेशा टोनर यूज़ करती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है ये एक कोरियन मेथड है, तो काफ़ी अच्छा सा ग्लो आएगा अगर आप लोग भी ऐसे यूज़ करोगे। एंड आप इसको कॉटन पैड पे एंड अपने पाम पे भी लेके अपने फेस पे लगा सकते हो। एंड कम्प्लीटली फेस मेरा ड्राई नहीं होगा उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉलो करूँगी, जो कि है मेरा मॉइस्चराइज़र। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वॉ स्किन साइंस का ग्रीन टी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है गाइज, ऑयल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। प्लस इसको आजकल मैं मेकअप के पहले यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा सा आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर को बैलेंस करके रखता है, बिल्कुल नॉन स्टिकी एंड ऑयली नहीं है, बहुत हैवी नहीं लगता है, इसलिए एक्ने प्रोन, पिंपल प्रोन एंड ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह कि आपको ये पिंपल होने से, जिन लोगों को बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं उससे ये प्रिवेंट करेगा, आपके स्किन को रिफाइन करेगा और स्किन में नरिशिंग प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हो ट्यूब पैकेजिंग में है, काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली है, आप इसको अपने बैग में भी रख के कैरी कर सकते हो। एंड गाइज ये 100 ml क्वांटिटी है इसकी, 349 रुपीज़ ये रिटेल करता है। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो एक टिप देना चाहती हूँ, खूब सारा मॉइस्चराइज़र लीजिए, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में नहीं, ताकि आपकी स्किन प्रॉपरली मेकअप के पहले अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो जाए। तो मैं अच्छी सारी क्वांटिटी लेके अपने फेस पे, आप देख रहे होंगे कि मैं एज अ मसाज करूँगी जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। तो अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस पे, अपने नेक पे बिल्कुल हल्के हाथों से आप लोगों को अप्लाई करना है। उसके बाद आप अपने फेस पे अच्छा सा ग्लो देख सकते हो, आप लोगों को ये इंस्टेंट ग्लो भी प्रोवाइड करता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपने पूरे फेस पे इसको लगा लिया है एंड कम्प्लीटली मेरा ये 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन। चाहे तो आप इसको मेकअप के पहले, या तो सोने के पहले, या तो आप एवरीडे बेसिस पे इसको कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप आप लोगों को कभी भी यूज़ नहीं करना है, चाहे आपने मेकअप किया हो या नहीं किया हो, तब मेरे फेस पे गाइस ग्लो देख ही सकते हो। गाइज आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में जाके जरूर पूछिएगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। फिर मैं मिलूंगी एक नए वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।